हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंदना की रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं चना सूप, जो कि हम सबके लिए बहुत ही हेल्दी होता है। सर्दियों में तो खासकर ये चना सूप सबको पीना चाहिए। और अगर आप मेरी बताई हुई रेसिपी के साथ एक बार इसे बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना और पीना पसंद करेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम चना सूप बनाना। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं एक कटोरी ब्लैक चने, ये तकरीबन 100 ग्राम होंगे, और इनको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था तो ये ऐसे हो गए हैं। तो सबसे पहले हम इनको बॉईल करेंगे, तो चलिए इसको बॉईल करते हैं। चने को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कुकर चढ़ा दिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 ग्लास पानी के। और इसमें मैं डाल रही हूँ अब थोड़ा सा नमक, और इन चनों में से मैंने पानी को रिमूव कर दिया है और इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। और हम अब कुकर को बंद कर देंगे और इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे गैस पर। तो ये 15 मिनट हो चुके हैं, तो देखते हैं हम हमारे चने हुए हैं या नहीं। तो ये देखिए हमारे चने जो हैं वो एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं और ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब हम ये मैंने एक मैशर लिया है, मैशर की हेल्प से हम चने को थोड़ा सा मैश कर देंगे। इससे क्या है चने का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा उसके बीच में। तो हम चने को अच्छे से मैश कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें से थोड़े से चने मैश कर दिए हैं। ये देखिए चने जो हैं थोड़े बहुत मैश हो गए हैं इसमें, और इसको हम ऐसे ही रख लेंगे अब। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इसके ऊपर मैं छलनी रख रही हूँ, और जो ये हमने चने बॉईल किए हैं उसका मैं पानी निकाल दूंगी। तो ये देखिए मैंने चने अलग कर लिए हैं और जो इसका पानी है वो अलग कर दिया है। तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टमाटर ले लिए हैं, अब हम इनकी प्यूरी बनाएंगे। तो मैं इनको कट करके एक जार में डाल रही हूँ और इसकी प्यूरी बनाएंगे। तो ये टमाटो प्यूरी हमने तैयार कर ली है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन रख लिया है, उस पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल के डाल दिए हैं, और ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। और इसमें मैं अभी डाल रही हूँ, ये मैंने अदरक को पीस लिया है वो पेस्ट में इसमें डाल रही हूँ। और साथ ही में मैंने यहाँ पर थोड़े से कड़ी पत्ता लिए हैं तो वो डाल रही हूँ मैं इसमें। कड़ी पत्ता से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो ये अदरक जो है वो हमारा हो चुका है। अब जो हमने ये टोमेटो की प्यूरी बनाई थी वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस टोमेटो प्यूरी में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। नमक आप इसके अकॉर्डिंग ही डालें, क्योंकि हमने पहले जो चने बॉईल किए हैं उसमें भी नमक डाला है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्ची, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी पीसी हुई काली मिर्च, भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा खट्टेपन के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला, और यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी लाल देगी मिर्च, इससे इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो ये जो टमाटर है ये हमारे अच्छे से हो चुके हैं। अब जो ये हमने पानी निकाला था चने में से वो मैं सारा इसमें डाल रही हूँ, और इसे अब हम एक बॉईल आने देंगे। ये जो पानी है ये अच्छे से बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें ये मैश किए हुए चने सारे डाल देंगे और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। और इसको हम
बॉईल होने देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच अरारोट का लिया है, यानी कि कॉर्नफ्लावर का। उसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे। बिल्कुल 2 चम्मच इसमें पानी के डाल लिए हैं मैंने, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अभी हमने जो ये मिक्सचर बनाया है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। एक बार मैंने थोड़ा सा ही डाला है। आपने इसको जितना थिक करना है आप उसी हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। अभी इसको एक बार अच्छे से जब बॉयल आ जाएगा तो ये बहुत थिक हो जाएगा। तो जो ये थोड़ा सा रह गया है वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया, और एंड में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नींबू का रस लिया है मैंने इसमें, वो डाल देंगे हम इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा चना सूप एकदम रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, और ये जो हमारा सूप है वो एकदम रेडी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।